गिरीश गौतम आज रीवा के बिछिया हॉस्पिटल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह मेरा विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद जिला हॉस्पिटल का पहला दौरा है, जहां बिना किसी को सूचित किए आया और देखा कि बहुत ही अच्छी साफ सफाई व हॉस्पिटल की व्यवस्था है। उन्होंने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता की तारीफ करते हुए कहा कि हॉस्पिटल की व्यवस्था एवं मरीजों की देखभाल में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वार्डों में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना और साथ ही कहा कि अब रीवा अपना ऐसा हो गया है जहाँ जिले से बाहर के मरीज आकर रीवा जिले में भर्ती होकर अपना इलाज कराते हैं। वहीं आगे बताए कि बहुत जल्दी हम संजय गांधी अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे और वहां भी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? कैसा फील कर रही हैं? ठीक है। अच्छा, उसके पहले भी कोई तकलीफ थी? टेस्ट होने के पहले भी कुछ है? एक दिन पहले, इसीलिए जांच कराई आप। अभी तो जो मरीज भर्ती है उनसे बात की तो उनका कहना है कि ठीक है और व्यवस्था भी ठीक है, दवाइयाँ भी ठीक हो रही हैं, बाकी जो शासन की तरफ से इंतजाम है वो भी ठीक है। अभी कोई ऐसी बात नहीं जो जिसको कहा जा सके कोई नकारात्मक है। मरीज या उनके परिजन भी ठीक ही बात कर रहे हैं। सर, जैसे लगातार ये आरोप लग रहे हैं डॉक्टरों पर कि डॉक्टर द्वारा ये सफाई नहीं की, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं इसीलिए अचानक आया हूँ तो इनको अब जानकारी तो थी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, पर बात देख लीजिए यदि अचानक आने में ये ठीक ठाक दिखाई पड़ता है तो ये मानना चाहिए कि ठीक है। अब पहले से सूचना दे देता कि मैं आ रहा हूँ तब फिर साफ सफाई करते तो ये माना जाता कि जानकारी हो गई, इसलिए बिना जानकारी क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर विद्युत नदारद रहते हैं और 108 वाहन लेके यहीं सीधे चले आती है ना, उसके कारण कई बार जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने हैं उस तरह के एक्सपर्टीज नहीं है वहाँ, या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे तत्काल जांच हो सके। तो जैसे अब किसी को पथरी का पेन हो रहा है तो डॉक्टर वहाँ पेन की दवाई दे सकता है, पर जांच होकर के उसकी पथरी की दवाई हो जाए। छोटी बीमारियों में भी बीमारी में बुखार में आते होते तो 300-400 रिकॉर्ड कैसे होते। पूरे जो हमारे सेंटर हैं सामुदायिक हैं वहाँ पर तमाम मरीजों की दवाइयाँ होती हैं, यदि सब भागते होते तो फिर वहाँ तो ताला लगाना पड़ता, पर वहाँ व्यवस्था ठीक है। अभी और प्रयास ये कर रहे हैं अपन, जैसे नई गढ़ी में प्रयास ये किया है कि जो हमारा प्रसव केंद्र है वो नए तरीके का बन जाए। हालाँकि अपनी तरफ से मैंने कुछ शेड लगवाया उनके परिजनों को बैठने उठने का, कुछ और व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको सुविधा हो, ये मैंने प्रयास किया। एनआरसी में सर ने एसी भी दिया? हाँ, अभी एनआरसी में हमारे बच्चों को एसी लगा दी है। सामने उनका टीन सेट खराब था वो हमने लगा दिया है, उसको सीमेंटेड करके बैठने का, बच्चों को धूप में तेल लगाती हैं महिलाएँ तो बाहर वो बना रहे बढ़िया बैठने का सीमेंट का, वहाँ बैठ करके बच्चों को तेल लगा, ये सब व्यवस्था कर। अब किसी दिन मौका लगेगा तो वहाँ भी देखूँगा, है ना। अभी आपको तारीख बता दूंगा तो शायद जो आप चाहते हैं वो ना हो पाए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हाँ, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहाँ पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हाँ, मात्र 359 रुपए में पाए दो नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए दो स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है। भारतीय डांस स्टूडियो, जहां आप सीख सकते हैं बॉलीवुड, हिप हॉप डांस, क्लासिकल डांस, फ्री स्टाइल, कंटेम्प्रेरी, वैली डांस,
रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री। कोरियोग्राफर भारती कोहली, पता 448 खान बिजली घर नंबर 3 के पीछे खुर्सा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9927914635 7037792332।